इस तरह का इम्प्रेशन आएगा इसके बाद, कटिंग के बाद आप देख सकते हैं शेप आ चुकी है। अब इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आप गोल्ड कटिंग करते हैं और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है कि कटिंग नहीं होती है। फिर आपके पास कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये कितने mm कट हो सकता है, कैसे कट होगा, क्या पैरामीटर होना चाहिए, कितना ग्राम होना चाहिए। तो अभी हम आपको गोल्ड कटिंग की एक दूसरी वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें हम दिखाएंगे वेट करके कि कितने ग्राम का सोना है और इसकी वैल्यू कितनी होगी। और अभी हमारे पास टैक्स कटिंग करने के लिए आया है तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर रखेंगे। तो अभी ये मेरे पास सोना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ये प्योर सोना है जिसकी जो चौड़ाई है लगभग 10 mm है और ये लंबाई जो है ये 45 mm है। और इस सोने का जो थिकनेस है ये आपका पूरा, अगर हम mm में नापते हैं तो ये आपका लगभग 0.75 mm, मतलब 0.75 mm है, 750 mm। तो इसका वेट करके देखते हैं फिर इसकी वैल्यूएशन देखते हैं क्या। तो हमारे पास वेटिंग मशीन है, ये रही वेटिंग मशीन, ठीक है, हम इस पे वेट करके देखेंगे। जीरो करना है, अभी जीरो है, इसमें रखा है मैंने 4.81। इसकी वैल्यू कितना हुआ है, 4। इस सोने की वैल्यू 30,000 के आसपास है। इतने महंगे पीस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो अभी कट करके देखेंगे और पैरामीटर आपको बता देंगे कि क्या आ रहा है। और हाँ, कई सारे लोगों को डाउट होता है कि जब हम गोल्ड कटिंग करते हैं तो कितना गोल्ड वेस्ट हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए 2% वेस्ट है, 2 से 6%। अब वो कितना होता है वो सोने की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको चैम्बर बनाना पड़ेगा, पूरा कवर करके रखना, लेकिन एक बार में नहीं। जब आप 100-200 कटिंग कर लोगे और वो जब ईरान झाड़ू वाड़ू लगती है या इकट्ठा किया जाएगा तब जाके वो रिकवर होगा, वो भी कितना मुश्किल से 50%। तो आप जब भी गोल्ड को कटिंग करेंगे तो अपनी लॉस को ऐड करके चलें वैल्यू के अंदर कटिंग के साथ साथ। तो 30,000 का गोल्ड है, देखने में तो जरा सा हल्का लग रहा है, 4 mg के आसपास। और इसका पैरामीटर दिखा देते हैं, हमारे पास ये नाम आया है, आप जैसे देख सकते हैं अभी हमारे पास शिल्पा नाम कट करने को आया है। ये गले का लॉकेट है, कारवाई खुशी का लॉकेट। अभी हमने इसको टेस्ट किया था, गोविंद थोड़ा सा लाइट में दिखाना, दिख रहा है कम आ गया, दिख रहा है दोस्तों, ये शिल्पा हमने टेस्ट करके देखा है। और अभी हमें इस तरह से जो ज्यादा खुशी लिखा हुआ है इस तरह की कटिंग करनी है। तो कट करके देखते हैं कितनी देर में कटेगा, लगभग सेम थिकनेस है, खुशी करते हैं यहाँ पे। अभी हमने इसकी सिलेक्शन कर लिया है, हमारी मशीन 30 वॉट की है तो हमने 30 वॉट के हिसाब से पैरामीटर सेट किए हैं। पहले हम इसकी सेटिंग करते हैं। आपके पास ये 2 क्लैंप होने चाहिए 4 तरह के और लगभग उसका डबल इंच डबल का साइज का ये आपके पास नट बोल्ट होना चाहिए, एलन की। अब हम इसको टाइट कर रहे हैं और फिक्स करेंगे। पहले लाइट आ गया बगल, अभी हम इसको सेट कर रहे हैं तो इस तरह की सेटिंग होगी। इसको लॉक इसलिए करेंगे कि जब सोना कटिंग होता है तो ये बैंड होना शुरू हो जाता है हीट से। तो फिलहाल अभी हम इसको सेट करते हैं प्रॉपर तरीके से।
हम इसको टाइट करेंगे ताकि ये बैंड ना हो जितना कर सकते हैं। अब लगभग हमारी सेटिंग हो चुकी है और कटिंग के लिए रेडी है। अगर आपकी मशीन कम वाट की है, 20 वाट की, तो गारंटी नहीं है कि कटिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन 30 वाट से 50 वाट तक की है तो 100% कटिंग हो जाएगी। अगर आपकी 30 वाट की मशीन है तो आप पैरामीटर 5 से 50 रख सकते हैं। फिलहाल तो अभी हमें टेस्ट करना है कि यहाँ पहले एक मार्किंग करके देखेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा प्रॉपर गोल्ड के ऊपर। तो अभी हम इसके पैरामीटर को, पावर को कम करके चेक करेंगे, एक मार्किंग कर रहे हैं चेक करने के लिए। अभी नीचे डाउन कर रहा हूँ, अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं खाली, एक बार मार्क करना इधर फ्रंट से चेक करने के लिए खाली। कुछ इस तरह का इम्प्रेशन आएगा इसके बाद, कटिंग के बाद आप देख सकते हैं शेप आ चुकी है। अब इसको कटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी मशीन 30 वॉट है तो आप 5 से 50 की स्पीड रख सकते हैं जरूरत, और उससे ऊपर की है तो आप 10 से 50 ही रख सकते हैं। फिलहाल हमने 5 से 90 रख ली है पैरामीटर, और उसके बाद अब फाइनल कटिंग के लिए जा रहे हैं। तो हम परमानेंट सेट कर देते हैं कैमरे को ताकि कटिंग में कोई दिक्कत ना हो। अब आप पूछेंगे कि आपको कितनी बार मार्किंग करनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है गोल्ड की क्वालिटी के ऊपर। गोल्ड दो तरह का होता है, एक टेम्पर्ड और एक विदाउट टेम्पर्ड। अगर टेम्पर्ड गोल्ड है तो उसको कटने में टाइम लग सकता है। जो लोग गोल्ड यूज करते हैं उनको समझ में आ जाएगा टेम्पर्ड। हमने स्टार्ट कर दी है कटिंग को, ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगेगा। थोड़ा सा बैंड हो रहा है, ठीक है, चश्मा निकाल लेना चाहिए। पहले अंदर का कट करना चाहिए था, पहले बाहर का होगा, कोई बात नहीं। एक ही बार चलाया, इसके नीचे कुछ लगाया नहीं है, कोई बात नहीं, पेपर टेप लगा देंगे। फिनिश भी कर दूँ साथ साथ में, फिनिश की कमांड भी चला दूँ। काटा काटा हिल गया, जैसा देख रहे हो आप नीचे धुआं निकलने लग गया और नीचे पेपर जल रहा है। तो अभी हमने सिर्फ 8 बार चलाया है और कटिंग आने लग गई है। हमने इनर सर्कल पहले चलाया है ताकि हमें पता चले कि कटिंग कितनी बार में होगी, उसके बाद आउटर सर्कल चलाएंगे।
अब हम इसको चेक कर रहे हैं इनर सर्कल को, अभी और जरूरत है, फिनिशिंग कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमने नीचे मिरर से देखा है तो नीचे का पार्ट कट चुका है और अभी हमने सिर्फ इनर सर्कल चलाया था, पर आप लोगों को पता ही है कि ये थ्रो कट नहीं होता, बाद में हमें इसे पुश करके निकालना ही पड़ता है। स्टॉप करो, ऐसे नहीं निकलेगा, और हमें ठोक के निकालना पड़ेगा। आउटर कट कर दो, ये आ गया पूरा एक प्लेट का, तीन ही था ना इसमें, एल तो जीरो, ये भी जीरो कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया है, अब खाली आउटर रह गया, पांच होगा भैया। उसके साथ चला देता ना एक इधर यहाँ पे, हाँ तो आउटर के साथ चला देता, हो गया कट गया। पॉलिश कर देंगे ना बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 134 बार मार्किंग हो चुकी है, लगभग 15-16 मिनट हो चुके हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्टेटस है कटिंग की। अभी जूम किया क्या, अभी मैं आपको इस मिरर से दिखलाता हूँ रिफ्लेक्ट करके, ये आपका रिफ्लेक्ट करके हम देख रहे हैं, तो इसको एक सेकेंड आप ये देख सकते हैं कि इम्प्रेशन आ रहा है बैक साइड का पूरा ये कटिंग का इम्प्रेशन आ रहा है मिरर के ऊपर, दिख रहा है ये ऑलमोस्ट कटिंग हो चुकी है, पर थ्रो कट नहीं होता तो इसको कट आउट करना पड़ता है, पकड़ना कैमरे की लाइट, हाथ में अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टेटस है।
गर्म भी हो चुका होगा। सोने की खासियत होती है जितनी तेज़ी से गर्म होता है उतनी तेज़ी से ठंडा हो जाता है। ये फ्रंट है और ये आपका बैक ऑलमोस्ट कट हो चुका है। और अब हम चेक करेंगे कि कितनी, ये देखिए पूरा, अगर मैं इसको चिमटी से प्रेस करूँगा तो ये कटआउट बाहर आ जाएगा, पर हमें कटआउट बाहर नहीं करना है क्योंकि सोना लॉस होने का डर रहता है। तो अब हमें इसका वेट चेक करना है कि कितना कम हुआ है, तो रिड्यूस वेट देखेंगे इसके ऊपर रख के। कितना था भाई? 110 था। अभी कितना है? 750। तो कितना कम हुआ? 360 मिलीग्राम। जैसा कि आप भाई बता रहे हैं कि 60 मिली सोना इनका कम हो गया, तो इसकी वैल्यूएशन कितनी हुई 60 मिली की? दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। रुक जाओ, स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दे। हां ये है ना बैटरी की वजह से माइनस हो गया। 700 से कितना मिली कम? 20 मिली कम हुआ, बाकी का तो कितना लगभग? कितना लगभग? 30,000 में कितना मिली? 800 मिली, मतलब 40 मिली। तो दोस्तों इसको कटिंग करने में हमारा 40 मिली सोना कम हो गया है, तो जिसका मतलब है कि लगभग 200 से 250 रुपए उड़ गए हैं कटिंग में। तो कई लोग क्या होता है, शौकिया में फोन करते हैं या पूछते हैं कि मशीन लगानी है, फाइबर मशीन लगानी है, कटिंग की मशीन लगानी है, और हमें गोल्ड कटिंग करना है, सिल्वर कटिंग करना है, पर उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। मशीन तो वो लगा लेते हैं पर उनको रियलाइज नहीं होता कि वो कितना सोना लॉस करते हैं। तो लगभग 200 मिली सोना कम है, इससे बेटर ऑप्शन होता है 200 रुपये का सोना कम है, तो इससे बेटर होता है कि आप इसकी कटिंग करें एक्रेलिक में, एमडीएफ में, उसके बाद उसको सांचे के अंदर ढाल के ढलाई से बनाना आपको सस्ता पड़ता है। वो उसकी कॉस्टिंग 50 रुपये के आसपास आएगी और कोई लॉस भी नहीं होगा। पर अगर आप इससे ऐसे लेजर कटिंग कराते हैं तो लगभग 200 रुपये के आसपास अपना लॉस मान के चलिए खाली, सिर्फ सोने का, बाकी जो लॉस होगा वो अलग, कटिंग के चार्जेस अलग। और अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको मशीन लगानी है कि नहीं लगानी है।